केक? हाँ, आसानी से। अपने करियर के दौरान मैंने उतने केक बेक किए हैं जितने तुमने अपने पूरे जीवन में नहीं खाए होंगे। सबसे पहले हमें केक को ठीक से काटना होगा, या कहे तो बस उनमें एक समान छेद बनाना होगा। फिर व्हिप क्रीम के साथ तैयार केक को ग्लू करना होगा। हाँ, जरा इसे देखो, कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। और एक के बाद दूसरी परत, और अंदर मैं एक गिफ्ट छिपाऊंगी जिससे केट पक्का बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। मुझे लगता है कि इससे मुझे एक जीत मिलेगी। जरूरी बात मेरे सरप्राइज को अच्छी तरह से छिपाना है। व्हिप क्रीम की मोटी परतों के पीछे ऐसा करना सबसे अच्छा है। हमें इसे अच्छे से चिकना करना होगा ताकि केक अच्छा दिखे। जरा देखो यह कितना सुंदर तैयार हुआ है। अब बस M&M's कैंडीज के साथ केक को सजाना ही बचा है, तो यह और भी सुंदर हो जाएगा और जाहिर है स्वादिष्ट। मेरी पोती केक में एक नए स्मार्टफोन को देखकर ऐसी सस्ती चाल में नहीं फंसेगी। वो सिर्फ अपने जन्मदिन के लिए एक सुंदर और स्वादिष्ट केक चाहती है, यही मैं उसके लिए करूँगी। सबसे पहले हमें आटा गूंदना होगा। मुझे लगता है कि हर कोई उसकी रेसिपी जानता है, यदि नहीं तो मेरे हाथों को ध्यान से देखो। हाँ, एकदम सही। फिर हमें थोड़ा कोको डालना होगा। तो हमारे बनने वाले केक में एक बढ़िया चॉकलेटी स्वाद मिलेगा। और इसका कलर भी चॉकलेट का होना चाहिए। देखो जैक, क्या तुमने कभी इससे अधिक चॉकलेट डो देखा है? मैंने तो नहीं देखा है, यह वास्तव में अच्छा है। अब केक को बेक करना है। हालांकि पहले मुझे अपने हाथों पर लगे इस आटे से छुटकारा पाना होगा। दादी का आइडिया तो शानदार है, केट को वास्तव में चॉकलेट बहुत पसंद है। मैं उन सभी चॉकलेट बार्स में से एक केक क्यों नहीं बनाता जो उसे बहुत पसंद आए। यह एक तरह से आसान है, सबको बस निकाल कर पैन में डाल देना है। यह बहुत आसान है। हाँ, एकदम आसान। यह ओवन का समय है। अरे, मेरा इंतजार करो जैक, यह ओवन है, हम अपने केक अंदर डाल देंगे। यह कैसे काम करता है? मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ। चलो हटो यहाँ से, मैं इसे खुद करूँगी। देखो तुमने कितना ज्यादा टेम्परेचर सेट किया है। तुम अपने अनाड़ी हरकतों से अवन को बर्बाद नहीं करना चाहोगे, है ना? ताड़ा, केक तैयार है। जरा देखो यह कितना प्यारा निकला, और क्या खुशबू है। केक निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। वाओ, मुझे भी कुछ सुंदर मिला होगा। हालांकि मैं इसे थोड़ी देर के लिए अवन में छोड़ दूंगा। हाँ, केक को तेजी से पकाने के लिए मैं अभी टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। दादी अब वैसे भी आसपास नहीं है। मेरा केक तैयार है। मुझे उम्मीद है मेरी पोती मेरे तरफ से इस तरह के उपहार से खुश हो जाएगी। यह एक केक कपकेक निकला, और चॉकलेट वाला, और यह बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन इसे अभी खाना जल्दबाजी होगी। सबसे पहले हमें चॉकलेट को उबलते पानी में पिघलाना होगा ताकि वह पिघल जाए। अब इन चॉकलेट को कपकेक पर फैलाने की जरूरत है। पहले पैकेट को खोल लेती हूँ और इसे अच्छे से फैला देती हूँ। बेशक हमें स्वादिष्ट स्प्रिंकल्स को नहीं भूलना चाहिए। चलो यहीं, तेज चलो। आउच, मैं केक के बारे में पूरी तरह से भूल गया। उम्मीद है कि यह ठीक होगा। ओह, कितना भयानक। मुझे लगता है मैंने इसे थोड़ा ज्यादा ही पका दिया है। ओह, खैर उम्मीद है कि मैं कुछ उपाय लेकर इसे ठीक ही कर दूंगा। अरे नहीं, सभी के पास ऐसे सुंदर केक है लेकिन मेरे पास ये कोयला है। मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? जैक, परेशान मत हो। अरे हाँ बिल्कुल, मेरे मन में एक अच्छा आइडिया आया है। केक को सजाना जरूरी है, फिर इसके नुकसान दिखेंगे नहीं। ओह, मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। रो मत केट, यह चुनने का समय है कि किसका केक बेहतर है। वाह, बेशक आप सभी ने बहुत कोशिश की है, जैक को छोड़कर। ओह, चॉकलेट का ये ओवरकुक टुकड़ा कैसा है? क्या यह चारकोल क्रस्ट है? क्या उसने इसे आग पर पकाया था? ओह, मुझे नहीं पता था कि चॉकलेट भी बर्बाद हो सकता है। छी, भयानक। चलो आगे बढ़ते हैं। दादी, लेकिन आपका कपकेक बहुत सुंदर दिख रहा है।
आइए देखें क्या यह हमेशा की तरह स्वादिष्ट है या इससे भी बेहतर। इसे कहते हैं स्वाद। मुझे आपके केक बहुत पसंद है। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। निश्चित रूप से उसका केक भी बहुत अच्छा होगा। अरे हाँ, और वास्तव में यह बहुत स्वादिष्ट है। रुको, यहाँ अंदर क्या है? दिलचस्प है। वाह, अभी तक किसी ने भी मेरे लिए सरप्राइज के साथ केक नहीं बनाया है। वाह, ये बिल्कुल नया आईफोन है। टीना, मैं ऐसी चीज का सपना भी नहीं देख सकती थी। जरा सोचो मैं कितनी अच्छी तस्वीरें ले सकती हूँ। और इसमें और क्या क्या फंक्शंस है? निश्चित रूप से यहाँ बहुत सारे कूल गेम्स है। टीना, यह सच में बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेशक इतने शानदार काम के बाद यह तुम ही हो जो विनर होगी। ओह, कितना अच्छा है। मुझे पता था मैं जीतूंगी। इस बार मेरे लिए एक सैंडविच तैयार करो। मैं लंच करना चाहती हूँ। हुर्रे, मैं ऐसा कर सकता हूँ। यह एकदम आसान है। आसानी केट, क्या तुम्हें याद है कि ऐसे कितने सैंडविच मैंने तुम्हारे लिए पहले बनाए हैं? तुम्हें उन्हें स्कूल भी ले जाती थी। बेशक सभी सैंडविच के बीच तुम वो चुनोगी जिन्हें तुम्हारी प्यारी दादी ने बनाया होगा। परंपरा के अनुसार मैं टोस्टर में ब्रेड डालूंगी। उसके बाद यह गर्म और बहुत अधिक स्वादिष्ट होगा। इसके बाद मेरा फेवरेट नट का पेस्ट आता है। केवल यह जार किसी तरह खुल नहीं रहा है। जैक, तुम मेरी मदद करो। हाँ दादी, यह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या मैं इसे चख सकता हूँ? कितना स्वादिष्ट है यह। जैक, तुम क्या कर रहे हो? यह सैंडविच के लिए है। ओह ठीक है, मैं वैसे भी इसे बचा नहीं पा रही हूँ। मुझे केट के लिए कुछ और उपयोगी खाना बनाना होगा। जैसे कि वेजिटेबल सैंडविच क्यों नहीं बनाते? मुझे लगता है ये वास्तव में इसे पसंद करेगी। इसमें खीरे, टमाटर, सलाद सभी होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा हेल्दी। हाँ, लेकिन स्वादिष्ट बिल्कुल नहीं। केट, चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे लिए सबसे स्वादिष्ट सैंडविच बनाऊंगी। वैसे इसे करना बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमें कुछ चीज को ग्रेट करना होगा। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिसे चीज पसंद नहीं हो। ऐसा कोई नहीं होगा। तो यह किसी के पेट को खुश करने का एक यूनिवर्सल तरीका है। अब थोड़ा जादू। चीज को फूड पेंट से रंगा जाना चाहिए, फिर इसे बहुत सुंदर रंग मिलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है। अब हमें प्रत्येक चीज प्लेट को अलग अलग रंगों में रंगना होगा। अब आगे हमें ब्रेड के टुकड़ों से दिलों को काटने की जरूरत है। इस तरह के टुकड़ों पर सैंडविच न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि प्यारा और सुंदर भी होगा। ब्रेड पर चीज को रेनबो के क्रम में रखना होगा। अब इन सैंडविच को बेक करने का समय है। वाह, यहाँ तक कि मैं भी इनको खाना चाहूंगी। बेशक, क्योंकि मैं अपने क्राफ्ट की मास्टर हूँ। तैयार दिल को सलाद के पत्ते पर रखे जाते हैं और सब कुछ तैयार है। मैं भी लगभग कर चुकी हूँ। हाँ, मैं टीना से सहमत हूँ। हेल्दी सैंडविच बहुत स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए मुझे कुछ हैम जोड़ना होगा। और मैं इसमें थोड़ा केचप भी डालना चाहूंगी। यह बेहतर है। कितना बढ़िया है। ओ हाँ, सैंडविच। ओ, सभी ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है और मैं नट पेस्ट खाने में मग्न था। अब यही है जो मुझे बचाएगा। यह पेस्ट इतना स्वादिष्ट है कि ब्रेड के साथ कॉम्बिनेशन के बाद भी उतना ही स्वादिष्ट होगा। लेकिन पीनट बटर और ब्रेड काफी नहीं है। मैं केला भी डाल देता हूँ। यह ठीक है, इस तरह से ब्रेड पर एक स्वादिष्ट क्रश दिखाई देगा। मैं बस थोड़ी सावधानी बरतूंगा इस आयरन के साथ। क्यों नहीं दादी, देखो मेरा आइडिया कैसा है। दिलचस्प, लेकिन जली हुई बदबू कहाँ से आ रही है? जैक, यह सब तुम्हारे आयरन की वजह से है। ओ नहीं, मैं कितना अनाड़ी हूँ। मैंने अपनी डिश फिर से जला दी। जैक, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। मेरे पास अभी भी एक मौका है। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जैक, क्या तुमने इसे फिर से जला दिया? तुमने मेरे लिए क्या तैयार किया है? यह खाना असंभव है। घिनौना, मैं थोड़ी सी ट्राई कर सकती हूँ। नहीं, यह बकवास एकदम बेकार है। आइए देखें कि दादी मुझे कैसे सरप्राइज कर रही हैं। इसे कहा जाता है सैंडविच। सबसे स्वादिष्ट सैंडविच जो मैंने कभी चखा है। अब बस टीना के सैंडविच को चखना बचा हुआ है। वाह, वे बहुत रंगीन है।
और अंदर इंद्रधनुष के सभी रंग मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। कूल, वाह! और यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन फिर भी दादी का सैंडविच मुझे अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे माफ करना चीना। हुर्रे, आखिरकार मैं जीत गई। कहाँ से शुरू करूँ? हम पिज्जा से शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि सब इसे बनाना जानते होंगे। अच्छी चॉइस है। मैं लंबे समय से एक इटालियन रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ, इसलिए मैं आसानी से एक बढ़िया पिज्जा बना सकती हूँ। सबसे जरूरी है अच्छी तरह से आटा गूंदना। चलो मैं दिखाती हूँ कि इसे कैसे किया जाता है। इस तरह से अच्छे से मिलाना है। इस तरह से देखो, ये अच्छा से हो गया है। आटा पिज्जा का पूरा स्वाद सॉस में होता है। ओह, बेशक चीज के बारे में नहीं भूलना चाहिए। हाँ, ये अच्छा है। मैं थोड़ी थक रही हूँ। ये इतना मुश्किल क्यों है? मुझे बस पेपरोनी और चीज को काटना होगा। और तड़ाम, पिज्जा तैयार है। मैं दादी से सहमत हूँ, सॉस बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर मैं खुद सॉस बनाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। जरा देखो मेरा टमाटर का पेस्ट कितना स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, अब मैं समझ गई हूँ कि सॉस कैसे बनाते हैं। बस एक ब्लेंडर में टमाटर पीसना है। ओह, मैं ढक्कन के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लेकिन सॉस खुद ही पिज्जा पर लग गया। मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। मेरा भी। अब केवल इसे बेक करना है। हमें पिज्जा की सजावट को नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद मुझे भी केवल इसे बेक करना है। तड़ाम, सब कुछ तैयार है। अब बस मेरा आखिरी टच। देखो एक असली पिज्जा कैसा दिखता है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे खुद से इसकी उम्मीद नहीं थी। केट, इसे चखने का समय आ गया है। आखिरकार मैं स्वादिष्ट खाना खा सकती हूँ। पर यह क्या है? पेपरोनी के इतने बड़े टुकड़े क्यों है? नहीं, मैं इस भयानक चीज को नहीं खाऊंगी। यह खराब लग रहा है। वाह, लेकिन यह दोनों पिज्जा बहुत अच्छे लग रहे हैं। जरा देखो यह चीज कितना स्ट्रेची है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छा। चलो अब यह लास्ट टुकड़ा। यह भी बहुत अच्छा है। एकदम घर जैसा स्वाद। मुझे नहीं पता कौन सा चुनूं। मैं मजाक कर रही हूँ। शेफ बेटी का पिज्जा सबसे अच्छा था। हाँ, मुझे कोई शक नहीं था। मैंने कहा था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार हमें क्या बनाना है? मुझे स्वादिष्ट पैनकेक्स चाहिए। सबसे अच्छा डिजर्ट। यह आसान होगा बेटी। देखो और सीखो। मैं सीखूं? देखोगी और असली मास्टर से तो तुम सीखोगी। नहीं, तुम मुझे सिखाओगी। क्या तुम मेरे बारे में पूरी तरह से भूल गए हो? मुझे फिर से छोड़ दिया। तो चलो देखिए कि कौन सबसे अच्छा है। मैं दूध को ज्यादा सावधानी से संभालती हूँ। यह कुछ भी नहीं है। मैं सब कर सकती हूँ। ओह माय गॉड, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ क्या? ओप्स, यह काम नहीं किया। देखो अंडे कैसे तोड़ते हैं।
मैं इसे एक असली निंजा की तरह कर रही हूँ। तो क्या, मैं तो एक असली पहलवान की तरह हूँ। अरे नहीं, मैं खुद को ऐसे नहीं मारने वाली हूँ। कटोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उप्स, मुझे लगता है तुमने मैदा बहुत ज्यादा डाल दिया है। वैसे भी मेरे पैनकेक्स बेहतर होने वाले हैं। मैं इसे एक स्पेशल ब्लेंडर से मिलाने जा रही हूँ। उसमें क्या बड़ी बात है, तुम्हारे पास हाथ क्यों है फिर? ओह, मुझे भी मैदा चाहिए। ओह, मिस हो गया। और मैं अपने हाथ से यह मिलाऊंगी। हाँ, सच में हाथ से मिलाना इतना आसान है। और मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। बोरिंग, तुम्हारे पैनकेक्स का रंग बेकार है। पैनकेक्स को रंगीन और मजेदार क्यों नहीं बनाया जाए? जैसे कि हगी वगी पैनकेक्स। जरा देखो। पहले मैं आंख और मुंह से बनाऊंगी, फिर होंठ और अब यह ब्लू फजी चेहरा। ओह, यह कितना डरावना है। मुझे सच में मेरे पैनकेक्स ज्यादा पसंद है। केवल मैपल सिरप और थोड़ा बटर डालना बचा है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। मैं बहुत थक गई हूँ। वाह, उन दोनों के तो तैयार है। और बेटी के पैनकेक्स तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे जल्दी करना होगा। जैसा दिख रहा है वो मायने नहीं रखता। केट, मेरी बात मानो, मेरा पैनकेक सबसे स्वादिष्ट है। ठीक है, अब इसे चखने का समय है। जेस, यह क्या है? यह बहुत गंदा लग रहा है। तुमने वो जला दिया है। नहीं, मैं यह नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बीच के पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और स्वादिष्ट भी। ओह, कितना स्वादिष्ट है। मैंने ऐसे पैनकेक्स का सपना देखा है। और यह यहाँ क्या है? इतने अनोखे आइडियाज के लिए तो पॉइंट मिलना चाहिए। अब इसे चख कर देखती हूँ। इन पैनकेक्स का भी स्वाद कमाल का है। पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जीतना किसे चाहिए। चलो, इस बार दादी जीतती है। दादी, आपने बहुत स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाए हैं। ए, मैंने तुमसे कहा था कि पैनकेक्स बनाने की मास्टर मैं हूँ। इस बार मुझे एक बड़ा और स्वादिष्ट सैंडविच चाहिए। ओ, सैंडविच, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनाती हूँ। मुख्य बात है बहुत सारी सब्जियाँ डालना। इस तरह से ये ज्यादा पौष्टिक रहेगा। मैं सबसे पहले थोड़े प्याज काटूंगी, फिर टमाटर। ओह, टोस्ट तैयार है। इसका मतलब है कि तुम्हारा सैंडविच लगभग तैयार है। मेरी राय में ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मेरे पौष्टिक सैंडविच को। सब्जियाँ, उसकी क्या जरूरत है, वो बोरिंग होगा। मैं चॉकलेट सैंडविच बनाऊंगी। और मार्शमेलो के बारे में नहीं भूलना चाहिए। और बेकार सलाद के पत्ते की जगह मीठी जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और चॉकलेट और मार्शमेलोस तो कभी ज्यादा नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि मैंने अब तक का सबसे अच्छा सैंडविच तैयार किया है। एक साधारण सैंडविच तो सच में बहुत बोरिंग है। मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि असल में एक अच्छा सैंडविच क्या होता है। बस जरा इसे देखो। तुमने ऐसा सैंडविच तो पहले कभी नहीं देखा होगा। ये सुपर सैंडविच होगा। इस तरह से इसको सजाना है। कैट को यह पक्का बहुत पसंद आएगा। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे यह भी नहीं पता कि कौन सा चुनूं। मैं शुरू करूंगी शायद साधारण वाले के साथ। बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इतने सारे प्याज क्यों है? मुझे प्याज बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन यह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ओह, उसके परवाह किसे है। ओह, मुझे श्रिम्प पसंद नहीं है। और ऑलिव्स भी। और प्याज का एक पूरा गुच्छा फिर से है। उफ, सारी चीजें जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। छी, इस सब में से मैं केवल हैम और चीज खाऊंगी। पर अगर सिर्फ ऐसी खाते हैं तो ये सैंडविच बहुत बोरिंग होगा। अच्छा नहीं है। ओह नहीं, ठीक है जैस, हो सकता है तुम जीत जाओ। जैस, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चॉकलेट पसंद है? कि कितना स्वादिष्ट है। जैस, बधाई हो, तुम इस बार जीत गई। आखिरकार ये